हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर आज हम सेक्शुअल और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट और पेरेंट्स मीन्स रिप्रोडक्शन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट या फिर दोनों पेरेंट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जैसे कि बेबी प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड्स बैक्टीरियाज दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे पेरेंट parent और पेरेंट्स ये वर्ड लिखा है तो जब सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो ऐसे प्रोसेस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और जब दोनों पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सो बेसिकली देर आर टू मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये दोनों पेरेंट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसे गैमेट कहते हैं इसे रिलीज करते हैं जैसे कि मेल पेरेंट्स पर्म रिलीज करते हैं तो फीमेल पेरेंट एग इन दोनों गैमेट का आगे चल के फ्यूजन होके झाइगोड बनता है और इस कंप्लीट प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये झाई मिलियन एंड बिलियन टाइम डिवाइड होता है और इससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेकेंड टाइप है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर्ड ओनली वन पेरेंट और इससे जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो सारे एक ही जैसे रहेंगे दैट मीन्स ये सारे क्लोन रहेंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहाँ पे होती है ये होती है फ्लावर में ओके फ्लावर है उस स्टेमन एंड पिस्टिल तो ये जो येलो पोर्शन है फ्लावर का ये होता है स्टेमन तो स्टेमन में रहेगा फिलामेंट और सबसे ऊपर रहेगा एंथर और एंथर के ऊपर रहेंगे पोलन ग्रेन सेकेंड जो पार्ट है वो है पिस्टिल तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये होता है पिस्टिल पिस्टल में रहेंगे ओवरी उसके ऊपर स्टाइल और सबसे ऊपर रहेगा स्टिग्मा तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है तो यहाँ पे हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था तो ये जो एंथर है तो एंथर के ऊपर ये पोलन ग्रेन रहेंगे तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड होते हैं जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड होंगे वहाँ पे पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर देते हैं वो ठीक है अब पोलन ट्यूब के अंदर रहेंगे मेल गैमेट अब जब भी ये मेल गैमेट इस ओवरी के अंदर जाएंगे तो ओवरी पे क्या है ओव्यूल्स है तो ओव्यूल के साथ वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएंगी दैट मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाएंगे और उनसे झाइगोड बन जाएगा अब झाइगोड से आगे जाके क्या बनेगा सीड जनरेट हो जाएगा सीड डेवलप हो जाएगा और सीड से आगे प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है ठीक है तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है प्लांट में और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है मतलब यहाँ पे दोनों पेरेंट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है इस स्लाइड में फिर से देखिए हम एक बार फटाफट इसे रिवाइज कर लेते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और ये दोनों पेरेंट रिप्रोडक्टिव सेल को रिलीज करते हैं जिसे हम गैमेट बोलते हैं और ये गैमेट हैप्लॉइड रहते हैं हेप्लॉयड दैट मींस कंटेन ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट मींस एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनके पास रहेंगे अब ये जो गैमेट है तो ये गैमेट का क्या हो गया फ्यूजन हो गया दैट मीन्स वो प्रोसेस को क्या कहेंगे फर्टिलाइजेशन कहेंगे और उनसे क्या प्रोड्यूस होता है झाईगोड बनता है और जो भी झाइगोड बनता है वो झाईगोड डिप्लॉयड सेल रहेगी दैट मीन्स टू एन उसे डिप्लॉइड कहेंगे दैट मीन्स ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो ये जो गैमेट्स है वो हैप्लॉइड रहेंगे और जो झाइगोड बना है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद दैट मीन्स इन दोनों का फ्यूजन होकर झाइगोड बना है और वो कैसे रहेंगे वो रहेंगे डिप्लॉयड सेल रहेंगे ओके और आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट झाइगोड का डेवलपमेंट होने के बाद उनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो ये प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वस अ सिंगल पेरेंट तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है और उस सिंगल पेरेंट से ऑप्स्प्रिंग जनरेट हो जाता है इट रिजल्ट इन ऑप्स्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट मतलब असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो भी ऑप्स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं उनके कैरेक्टर एक दूसरे के साथ एज वेल एज उनके पेरेंट के साथ भी जेनेटिकली सेम ही रहेंगे मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं ना वो एग्जैक्टली exactly उनके पेरेंट के जैसे ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है ओके okay? सभी प्रो और कुछ यू कैरियोटिक स्पेसीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं देयर आर सेवरल डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो है बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग जब पेरेंट सेल स्प्लिट होकर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाते हैं उसे बाइनरी फिशन कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन मीन्स जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में ब्रेक होते हैं और हर एक फ्रेगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसे कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन और जो थर्ड प्रोसेस है वो है बडिंग की तो बडिंग में क्या होता है पेरेंट सेल बर्ड फॉर्म करते हैं और वो बर्ड फुल्ली डेवलप होने के बाद पेरेंट सेल से वो डिटैच होते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो ये सारे हुए डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ तक हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है उनकी बेसिक जानकारी ले ली है अभी हम एक ही चार्ट में सेक्सुअल और असेक्शुअल में क्या डिफरेंस होता है वो पॉइंट वाइज देखते हैं तो सबसे जो पहला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स ऑलमोस्ट इन ऑल टाइप ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम तो जो भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम है जैसे कि ह्यूमस है एनिमल्स है हाइयर प्लांट है तो इन सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड अ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन प्रो कैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू कैरियोटिक यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो इन अ लोअर प्लांट ओके okay. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूजली बाय पेरेंटल दैट मीन्स इनमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज सिंगल पेरेंटल दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट ही ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है और उनसे ऑफस्प्रिंग जनरेट हो जाता है थर्ड पॉइंट है गैमेट्स आर फॉर्म तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुए थे और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जर्म सेल्स ऑफ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल इन्वॉल्व होते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमेटिक सेल इन्वॉल्व होते हैं नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इस वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है बट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं होते हैं सिंगल पेरेंट रहता है नेक्स्ट है म्योसिस एंड माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्योसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन दिखाई देता है असेक्सुअल में ओनली माइटो माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर नेक्स्ट है द प्रोजनीज विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट तो जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो पेरेंट से अलग दिखाई दे सकते हैं क्योंकि कुछ गैमेट यानी कुछ कैरेक्टर आए हैं फीमेल से तो कुछ कैरेक्टर आए हैं मेल से तो इस वजह से वहाँ पे फ्यूजन होके नया ऑर्गेनिज्म बना है तो इस वजह से वो एग्जैक्ट पेरेंट के जैसे नहीं दिखाई देते हैं बट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो जेनेटिकली एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहेगा उनके पेरेंट से क्योंकि वहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल अंडरगोज इंटरमिक्सिंग फ्रॉम पेरेंट टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जैसे कि मैंने अभी बताया है कि फ्यूजन हुआ है तो इस वजह से जेनेटिक मटेरियल में जो भी चेंजेस होंगे वो एग्जैक्ट उनके पेरेंट के जैसे नहीं दिखेंगे वो अलग दिखेंगे बट यहाँ पे एग्जैक्ट सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन इज नॉट सो रैपिड एंड टेक अ लॉन्गर टाइम टू कम्प्लीट तो यहाँ पे जो भी सेल डिवीजन होता है जो भी मल्टीप्लीकेशन होता है ऑफ प्रोड्यूस होने के लिए तो वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा रहता है बट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वो टाइम पीरियड बहुत कम रहता है तो ये होता है बेसिक डिफ्रेंस इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू